देखिए भूपेन गोरा जी तो बहुत दिन पहले बोल दिया कि वो किसी को सीट नहीं दे रहे, तो देखिए सीधी सी बात है, आसाम में कांग्रेस का पोजीशन बहुत खराब है। कांग्रेस से रोज कोई ना कोई बीजेपी में जा रहा है, तो कांग्रेस के सिर्फ नेता नहीं जा रहे, कांग्रेस के वर्कर्स भी जा रहे हैं। आप अच्छी तरह जानते हैं, प्रेसिडेंट मुर्मू के चुनाव में हो, रिपुन बोरा जी के राज्यसभा चुनाव में हो, जो क्रॉस वोटिंग हुआ, बीजेपी को हेल्प किया, किसने किया? कांग्रेस ने किया, AUDF ने किया। तो अब अल्टरनेटिव क्या है? जनता किसके ऊपर भरोसा रख के राजनीति में विरोधी दल का जो रोल है वो कौन पालन करेगा? तृणमूल कांग्रेस। हम पूरी तैयार हैं और मैं ये स्पष्ट रूप से कह दूँ कि आपने देखा है कि 11 सीटों में लोगों ने टिकट मांगा है तृणमूल का, पर हम उन्हीं सीट्स में फाइट करेंगे जहां हम जीत सकते हैं। इसलिए हमने एक शॉर्ट लिस्ट करके कलकत्ता भेजा है, कल डेरिक ओब्रायन आए थे गुवाहाटी में, और एक दो दिन में हमारा तय हो जाएगा। अगर कांग्रेस को अलायंस करना है तो कांग्रेस सिर्फ एक सीट देने से तो नहीं चलेगा ना। आज देखिए ना कांग्रेस का क्या हाल है, कांग्रेस का तो कैंडिडेट ही नहीं है, कोई लड़ना नहीं चाह रहा, सिर्फ गौरव गोगोई जी और प्रद्युत बोधली जी, बाकी तो कोई लड़ना नहीं चाह रहा। तो वो किस हिसाब से कह रहे हैं सीट शेयरिंग? पर ये आई वॉन्ट टू एश्योर यू कि इंडिया अलायंस का गवर्नमेंट जो होगा, ममता दीदी के पास जितना भी MP सीट होगा, 40, 42, 45, हम इंडिया अलायंस के गवर्नमेंट में रहेंगे। पर सीट शेयरिंग के लिए भूपेन बोरा जी ने पहले मना किया, हमने कभी कुछ नहीं कहा क्योंकि हम चाहते थे ममता दी से बात हो, पर हमारा ये तय है विदाउट अलायंस हम लड़ेंगे और हम लड़ने के लिए तैयार हैं। हमने करीब करीब एक लिस्ट 11 सीटों का बनाया है, प्रायोरिटी लिस्ट, वो ममता दीदी और अभिषेक बंदोपाध्याय सिलेक्ट करेंगे, पर हम चाहेंगे कि ऐसे सीटों पे हम लड़े जहां हमारा संगठन है, जहां हम जीत सकते हैं, जहां कांग्रेस जीरो पे है, दो बारी तीन बारी हार के आए हैं, और चार नंबर जहां पर किसी और पार्टी का जो विरोधी दल में है उनका डैमेज नहीं होना चाहिए। चार सीट अभी ऐसा, हाँ चार सीट की संभावना है, पर ये सिर्फ हाई कमांड ही तैयार करेंगे। एक सीट आपको कांग्रेस दे रहे हैं तो आप लोग वहाँ पे संतुष्ट हैं? कहाँ में दे रहा था? देखिए कांग्रेस का जो हाल है वो देने वाले कौन होते हैं आप समझ रहे? देने वाला अगर कर्नाटका में होता तो हम पूछते कितना दे रहे हो, तेलंगाना में होता तो हम पूछते कितना दे रहे हो, आसाम में कांग्रेस से सीट मांगने का तो मतलब इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। कौन कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी में अभी नाम वो मैं आपको अभी नहीं कह सकती, पर अनदर 24 आवर्स वी विल अनाउंस। आपको खराब नहीं लग रहा है? आपका पिताजी भी कांग्रेस में था, आप भी कांग्रेस में था, कांग्रेस का ये हाल? ये मेरा पिताजी का कांग्रेस नहीं है, ये बीजेपी का कांग्रेस है और बीजेपी में सब कांग्रेस लोग घुस गए हैं, तो पूरा खिचड़ी ही है ये। बीजेपी में कांग्रेस, कांग्रेस में बीजेपी, कांग्रेस एंड बीजेपी इज वन टीम, दैट पीपल ऑफ आसाम अंडरस्टैंड। पीएम का स्पीच के ऊपर क्या करेंगे वो अभी? देखिए प्रधानमंत्री जी नारी शक्ति पे बोल रहे हैं बंगाल में, अगर वो महिला सुरक्षा पे प्रधानमंत्री जी गंभीर होते, इफ यू वर सीरियस ऑन वीमेन सिक्योरिटी, तो अभी 29 फरवरी को उत्तर प्रदेश में दो माइनर लड़कियों का बलात्कार हुआ, उनको पेड़ से फांसी लगा दिया। मोदी जी गए क्या कानपुर? पर संदेश खाली में वो चिल्ला रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं कि ममता दीदी के अगेंस्ट और कोई इशू ही नहीं है, ममता दीदी बंगाल में स्वीप करेंगे। सो प्रधानमंत्री महिला सुरक्षा पे बिल्कुल ही सीरियस नहीं है, उनको बंगाल में रेप दिखता है, उनको कर्नाटक में रेप दिखता है, उनको झारखंड में रेप दिखता है क्योंकि ऑपोजिशन गवर्नमेंट है, और जब उत्तर प्रदेश में रेप होता है, मध्य प्रदेश में रेप होता है, तब प्रधानमंत्री जी अंधे हो जाते हैं। मणिपुर क्यों नहीं गए प्रधानमंत्री? प्राइम मिनिस्टर शुड बी एशेम्ड ऑफ हिमसेल्फ। दो ट्राइबल लड़कियों को इस तरह से कपड़े उतार के रेप किया गया, प्रधानमंत्री गए क्या? अमित शाह गए क्या? नेडा के कन्वीनर गए क्या? वो किसको किसको बेवकूफ बना रहे? महिला शक्ति से उनको कोई मतलब नहीं है, उनको सीट से मतलब है, और लिख के रखिए बीजेपी 220 क्रॉस नहीं करेगा। हरियाणा में वो जो रेसलर्स का, हाँ हरियाणा में जो महिला रेसलर्स ने इतना आंदोलन किया, किसके खिलाफ? एक एक बलात्कारी एक्यूज्ड ब्रिजभूषण जो बीजेपी का MP था, क्या क्या प्रधानमंत्री ने चुप बैठे रहे? तो बीजेपी के रेपिस्ट उनको पसंद है, दूसरा रेपिस्ट उनको पसंद नहीं है, यही है प्रधानमंत्री। अजमल तो बीजेपी का BT में, मुर्मू का इलेक्शन में क्रॉस वोटिंग हुआ, रिपुन बोरा जी का राज्यसभा इलेक्शन में क्रॉस वोटिंग हुआ, बीजेपी को वोट कौन दिया? AUDF दिया।
तो AUDF तो अगर हेमंत कहेगा नाचो तो नाचेगा, अगर हेमंत विश्व शर्मा AUDF के बोलेगा कि हाथ पे खड़े हो जाओ तो AUDF हाथ पे खड़ा हो जाएगा। ये दीज आर ऑल बी टीम्स ऑफ BJP, तृणमूल कांग्रेस इज द ओनली ऑल्टरनेटिव, और हम मैदान में लड़ेंगे और जीतने के लिए लड़ेंगे।